हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 24 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, जीके के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो शिफ्ट के एनालिसिस हो, चाहे आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो हो, वो सब आप तक पहुँच सके। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो में मतलब कुछ अच्छा है तो लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसको मिला है? तो कृष्णा सोबती जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंदी मीडियम के डायरेक्टर, देखिए हिंदी मीडियम मूवी आई थी उसके डायरेक्टर पूछ लिए गए, तो डायरेक्टर कौन है उसके? साकेत चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 का स्क्रीन लोकप्रियता अवार्ड किसे मिला है? आई थिंक ये वरुण धवन इसका राइट आंसर होगा। अगर इसका राइट आंसर कुछ और है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। एडोब के सीईओ यहाँ पे पूछे गए हैं, तो एडोब के सीईओ कौन है? तो शांतनु नारायण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आरोग्य रक्षा योजना किस राज्य से शुरू की गई है? ये आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम के सबसे अच्छे अभिनेता कौन है? देखिए ये आई थिंक ये कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, अगर इसका कुछ आपका राइट आंसर पता है तो बताइएगा, बट इसमें कैरेक्टर पूछा गया होगा, अगर पूछा भी गया होगा तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। बाल विकास मंत्री कौन है? ये मेनका गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2018 में टेस्ट मैच में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो पहले नंबर पे थी, और अगर ODI की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे, और T20 में भी दूसरे नंबर पे थी, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट देखा जाए तो खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ये आपका 31 जनवरी 2018 से हुई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। 2017 का कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता? ये इंडिया ने जीता था, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सूर्य में ऊर्जा किस चीज़ से बनती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक आपका पीरियोडिक टेबल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी क्वेश्चन कम आने स्टार्ट हो गया, पता नहीं रीजन क्या है, ठीक है। एक था आपका मुगल सराय का नाम, मुगल सराय स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दीन दयाल उपाध्याय इसका नाम रख दिया गया है, ये तो आप सभी को पता होगा। एक आपका काइनेटिक एनर्जी से मतलब एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नहीं पता है बट मतलब एक बच्चे ने बताया। एक था आपका राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कैपिटल आपकी पूछी गई थी, कैपिटल ऑफ क्रेट या कुछ नाम है किसी कंट्री का, ठीक है, इसका हो जाएगा जग्रेब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? पास्कल ने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, लाइकिन किसके सूचक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के, ठीक है। नेक्स्ट आपका नोबल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉर्थ ईस्ट विजय 2022 किसने लॉन्च किया? तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रविशंकर जी है, इन्होंने किया है, ठीक है। मुंबई में बारिश किस घाट के कारण होती है? तो पश्चिम घाट के कारण होती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। NaHCO3 का रासायनिक नाम, मतलब ये किसका रासायनिक नाम है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैथ के कुछ आपके टॉपिक है जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क हो गया, जैसे बोर्ड मास हो गया, HCF LCM हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम हो गया, प्रोबेबिलिटी से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मैंने कल आपको रात की वीडियो में, मतलब रात एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने पूरा, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पहले कभी नहीं पढ़ाया तो वो देख लीजिए, थर्ड शिफ्ट की वीडियो, उसमें लास्ट में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना तो मैंने करा दिया था उसमें। परसेंटेज हो गया आपका कवर करा रखा है सब कुछ, मेंसुरेशन हो गया, पाई चार्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, SICI, और आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य आपको दे रखा था 2088 और प्रॉफिट परसेंटेज रखी थी 16%, CP आपसे पूछा था। तो आप मुझे ये बताइए, अगर सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है ये, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज ये दे रखी है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है इसमें 16% इंक्लूड होगा। अगर किसी भी चीज़ पर प्रॉफिट हो रहा है, मैंने क्या बताया था, 100% से बढ़ जाती है वो वैल्यू, यानी कि वो 100% से बढ़ गया, 16% यानी कि 116% की वैल्यू होगी। अगर ये 116% की वैल्यू है और CP हमारी 100% होती है, आप सभी को पता है, तो हमें 100% की वैल्यू
वैल्यू निकालनी है तो इसको 116 से भाग कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए तो आपका सी पी आ जाएगा निकल के, ठीक है। 116 से इसको कट करेंगे 18 टाइम जाएगा, 18 की 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक टाइम एंड वर्क का, शायद ऐसा क्वेश्चन शायद ही पूछा गया हो, बट जो भी था देख लीजिए एक बार। यहाँ पे पूछा गया था कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, तो बी कितने दिन में करेगा, बी का आपको निकालना था यानी कि अकेला कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। अब 12 ये टोटल यूनिट आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 3 यूनिट, 12 को 2 से भाग मतलब 6 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में बी कितना करेगा, भाई ये एक दिन में 2 यूनिट करता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 करते हैं तो 3 में से 2 माइनस कर दीजिए 1 आ जाएगा, 12 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 12 दिन में बी कंप्लीट करेगा इस काम को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा था, एक आपका देखिए स्क्वायर रूट से था, स्क्वायर रूट से लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे था कुछ इस तरीके से, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना था तो मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट में सबसे पहले 2 का पेयर बना लीजिए और जितने बचे उनका एक अलग पेयर बना लीजिए, और जो 2 का पेयर बनाए इसमें भी आपको इसको हटा देना है, सिर्फ लास्ट वाली संख्या से ही मतलब रखना है। तो जो ये 6 है ये किस किस के स्क्वायर में आता है, ये 4 के और 6 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो 4 के और 6 के स्क्वायर में आता है, इसका मतलब आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है। अभी आप ये देखना है कि 134 लिखा है, इससे छोटा स्क्वायर मतलब किसका, इस संख्या का जो है किसका छोटा स्क्वायर है इससे, तो 11 का अगर स्क्वायर करते 121 होता है, 12 का देखें तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा। इसका मतलब आधा आंसर आपका आ चुका है, 11 तो आप लिख सकते हैं अभी से ही, ठीक है, 11 आ गया। अब आपको चेक करना है इसके लास्ट में हम 4 लिखे हैं 6 लिखे हैं, 4 6 का चेक कैसे करना है, अगर ये इसके 144 के पास है 134, ठीक है, तो इसका मतलब बड़े वाले स्क्वायर के पास है तो बड़े वाली संख्या रखनी है, अगर ये 121 के पास में है तो आपको छोटे वाली संख्या रखनी है क्योंकि छोटे वाली संख्या का स्क्वायर के इक्वल मतलब बराबर है, मतलब यार पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 144 के पास में है क्योंकि इससे तो काफ़ी दूर है ये 134, तो इसके बाद में आपको रख देने बड़े वाली संख्या नहीं की 6, तो यही आपका 116 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा पूछा गया था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जो था ये इस तरीके से था कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे 4 और 1 दे रखा था, ठीक है, तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो काफ़ी ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, भाई यहाँ पे इनकी आयु का गुणनफल दे रखा है ना, तो इनका रेशो दे रखा है, हम उसकी आयु बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसमें 4 में मतलब x की जो नंबर होगा कुछ भी नंबर उसकी मल्टीप्लाई कर दूँ ये तो 4x हो जाएगा और ax हो जाएगा, ये 2 एज हो गई फादर की और सन की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं गुणनफल होता है तो ये कितना आता है 196 आता है, तो इसका मतलब इसके इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल ये 196 होगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल ये 196 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4x के x में होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर के इक्वल आपका कितना होगा 196, तो x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 196 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर आपका 49 आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना होगा ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई है तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं फादर और सन की एज, देखिए फादर की हो जाएगी हम 4 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी, और यहाँ पे x में मल्टीप्लाई करेंगे 7 की यानी कि 1 में कर लीजिए 4:1 लिखा है, तो सन की एज 7 आ गई। पूछा 5 साल बाद इनकी एज का रेशो क्या रहेगा, तो दोनों में 5-5 प्लस कर दीजिए 33 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 11:4, ठीक है, यानी कि 11:4 इनका रेशो आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा, 3 से कट कर देंगे ना, ठीक है, 3 से इसको कट करेंगे तो 11 बार और 3 से कट करेंगे 4 टाइम, तो 11:4 का राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन अच्छा खासा मतलब पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा रहा है। मैं अब सोच रहा हूँ कि एक वीडियो आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन पे बना के दूँ, एक अच्छी सी मतलब जिसमें मैक्सिमम अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दूँ, ठीक है, एक इस लोगिज्म पे भी अलग से एक वीडियो बनाऊँ, वेन डायग्राम पे भी, ठीक है। 3-4 चैप्टर हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, और रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन आप मान के चलिए अगर आप अच्छे से इसको करके आगे ना तो आपका सिलेक्शन करा सकती है रीजनिंग, क्योंकि आसान भी बहुत आ रही है अगर आप इस और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेन डायग्राम हो गया, क्लोक हो गया, कैलेंडर सीरीज, एनालॉगी मिरर और काउंटिंग फिगर, ये आपके कुछ चैप्टर हैं। देखिए काउंटिंग फिगर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बताया है, तो इसमें आपको कैसे करना है और इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा या तो आप इसको मतलब याद ही कर लीजिए 8 होगा, अगर आप इसमें कभी मतलब भूल जाएं कि 6-8 मतलब ऐसे कुछ कंफ्यूज हो जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करना 1 2 3 4 5 6
सिक्स में एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो ऐड कर दीजिए, एट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, एट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक था आपका 5 फरवरी 2018 को मंडे है, तो 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो ये आपका देखिए 2018 आपका क्या है, जनरल ईयर है। ठीक है, तो जनरल ईयर में होगा, तो जनरल ईयर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो नेक्स्ट आपको कर देना है बस। 2019 में आपका क्या जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, मंडे से नेक्स्ट क्या आएगा, ट्यूसडे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लीप ईयर होता है तो दो डे मतलब 2 डेज आगे इंक्रीज कर देते हैं। एक था आपका देखिए कि सभी कंप्यूटर टीवी हैं, सभी कंप्यूटर टीवी हैं, कोई मोबाइल टीवी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी के सभी कंप्यूटर टीवी है, तो कुछ इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, और कोई भी टीवी आपका मोबाइल नहीं है, कोई टीवी मोबाइल नहीं है, कुछ यही तो बोला जा रहा है, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, तो अगर कोई टीवी मोबाइल नहीं है तो इसका मतलब कोई कंप्यूटर भी मोबाइल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर टीवी हैं। समझ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कंप्यूटर इससे बाहर नहीं निकला हुआ है, इससे बाहर नहीं जा सकता है, टोटल इसके अंदर है, तो इसका मतलब जब मोबाइल का और टीवी का कोई रिलेशन नहीं, तो कंप्यूटर का भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ टीवी कंप्यूटर हैं, तो कुछ टीवी जब सारे के सारे कंप्यूटर टीवी हैं, तो कुछ टीवी भी तो कंप्यूटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक आपका था वेन डायग्राम से बच्चे गंभीर और शरारती, वेन डायग्राम था, तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं कुछ गंभीर भी होते हैं और कुछ शरारती भी होते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बनाएंगे, कुछ बच्चे गंभीर होते हैं और कुछ बच्चे शरारती होते हैं, और इसमें आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दे रखे होंगे, यानी कि 3 डायग्राम अलग अलग। ठीक है, 2 डायग्राम एक जैसा, एक ऐसा, 2 डायग्राम मतलब इस तरीके से, एक ऐसा, तो इस तरीके से अगर दिए होंगे एक ऑप्शन आपको ये होगा, तो ये आपको ये राइट आंसर लगाना था। ठीक है भाई, एक आपका देखिए सीरीज से इस टाइप का क्वेश्चन था, 5 7 17 55 2, यानी कि 225 आपका हो गया, 225, और नेक्स्ट आपको बताना था। तो यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है सीरीज, इसमें देखिए 5 की मल्टीप्लाई 1 में की और प्लस 2 किया तो 7 आ गया। ठीक है, 5 1 जा 5 और प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे 7 की मल्टीप्लाई 2 में की, प्लस 3 करा तो 17 आ गया। 17 की मल्टीप्लाई 3 में की, प्लस 4 किया तो 55 आ गया। और इसी तरीके से 55 की मल्टीप्लाई 4 में की और प्लस 5 किया तो 225 आ गया। और यहाँ पे आपका 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट प्लस 6 कर देंगे तो आपका 1131 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, 6 को 42 यहाँ पे लिखा गया था, एनालॉजी का क्वेश्चन है, 5 को 35, तो नेक्स्ट आपको यह, मतलब यहाँ पे क्या आना था ये आपको बताना था। तो यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई की गई है, यहाँ पे भी 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका 35 हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा ही मतलब इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के आप टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम का जो मैंने चैनल बना रखा है उसमें भी 70,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हर एक शिफ्ट की, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब मैं पीडीएफ वहाँ पे लगातार अपलोड करता जा रहा हूँ, तो वो सारी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, और थर्ड शिफ्ट का वेट करिएगा। थर्ड शिफ्ट की वीडियो में थोड़ी लेट लेके आता हूँ, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आता हूँ जो पूरे दिन में बचे होते हैं, मतलब वो वीडियो सबसे लंबी रहती है पूरे दिन की एनालिसिस से। ठीक है, ये रहती है 15-20 मिनट की वीडियो, वो आपकी आधे घंटे से भी ऊपर की वीडियो बन जाती है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके लेके आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे मैं लगातार देता रहूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही होगी, आपने लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।